मनीषा रानी को जो जेल हुई है, क्या आपकी नजर में वो सही है डिसीजन जो बिग बॉस ने लिया है? हालांकि ये बिग बॉस को जो है ना सब चीजें पता होता है कि किसका किसके साथ लग रहा है। और पहले जब ये प्रमोट करने के लिए, अपनी वेब सीरीज प्रमोट करने के लिए आए थे, FIR दर्ज करो, ये सब चीजें करने के लिए आए थे, वहां पर तो उन्होंने इस ट्विस्ट के बारे में बताया नहीं। अगर वो पहले इस ट्विस्ट के बारे में बताते तो उसके अकॉर्डिंगली जो है माइंड से सोच के सब चीजें करते घर वाले। एल्विश ने भी बोला, यार मुझे ये पता नहीं था, ऐसे मस्ती मजाक में वो कर रहे थे, FIR दर्ज कर रहे थे, मस्ती मजाक में बोल दिया। इसीलिए सबसे ज्यादा FIR जिसके ऊपर दर्ज हुई है वो जेल जाएगा। इसका तो बनता तो यही है कि हाँ FIR दर्ज हुई है तो जाएगा जेल, पर पहले तो तुमने बोला नहीं है, ऐसे ही मनीषा को वहां पर भेज दिया जबकि मनीषा जेल के काबिल भी नहीं है। और डेफिनेटली मनीषा ने बोला है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता घर वालों से, मुझे बाहर की जनता जो प्यार करती है ना, मुझे वो उसी से फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या बोलते हैं। मुझे सही नहीं लगा है, या तो आप बोल के सजा देते तो चलता। सलमान खान तो बोलते हैं कि मनीषा अगर कुछ करना है ना तो बोल के करो। भाई तुम कुछ कर रहे हो तो भी बोल के करो, अगर जेल की सजा दे रही हो ना तो बोल के करो, बताओ जेल की सजा है, इसके बाद ही सही डिसीजन जो है लोग लेंगे। मस्ती मजाक में करके और मस्ती मजाक में जाके पुलिस में कोई FIR नहीं दर्ज करवाता है, हाँ जी ऐसा था, हाँ जी वैसा था, वो मुझे मुझे छेड़ती है इसीलिए मैंने FIR दर्ज करा दी। मस्ती मजाक नहीं होता, ये बहुत गलत हुआ मनीषा के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।